हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और अपने जो पीछे टॉपिक चल रहा था डीसी थ्योरी, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंदर ओम के नियम वगैरह है वो हम लोग पीछे कर चुके हैं। और आज किरचॉफ के नियम या फिर अपने जूल का नियम आएगा या व्हीटस्टोन ब्रिज जो रहेगा उसको इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। तो किरचॉफ के नियम से मतलब क्या है कि अपने ओम का जो नियम था वो हमने बोला था कि डीसी जो नॉर्मल परिपथ होते हैं उनमें ओम का नियम आपका लगता है, लेकिन एग्जाम टाइम में पहला क्वेश्चन क्या रहता है किरचॉफ के नियम से? तो पहला क्वेश्चन रहता है कि जटिल प्रकार के परिपथों को हल करने के लिए कौन सा नियम लगता है? जटिल प्रकार के जो परिपथ होंगे उनको हल करने के लिए आपका जो है किरचॉफ का नियम लगेगा। उसके अंदर आपके जटिल प्रकार के डीसी परिपथों के लिए डेफिनेशन होती है, लेकिन मैं ये नहीं करवाता हूँ। क्यों नहीं करवाता हूँ? क्योंकि एग्जाम टाइम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे क्या होते हैं कि डीसी जो है उसको क्लिक कराते हैं, तो वो जो है गलत आंसर है, क्योंकि जो आपका किरचॉफ का नियम है वो एसी और डीसी दोनों पर लागू होता है। तो दूसरा क्वेश्चन यहीं से बनता है, कि किरचॉफ का नियम लागू होता है। तो किरचॉफ का नियम एसी व डीसी दोनों पर लागू होता है, यानी कि आपका जो किरचॉफ का नियम है वो एसी और डीसी दोनों धाराएं होंगी, उन दोनों धाराओं पर आपका जो नियम है क्या होगा, लागू होगा। उसके बाद में इसके प्रकार की बात आती है, कितने प्रकार का जो नियम है उसने दिए हैं। तो पहला जो प्रकार है दोनों को अपने कंटिन्यूसली करेंगे, पहला जो नियम है उसको उसने क्या बोला है, करंट नियम, यानी कि विद्युत धारा से जो संबंधित नियम है वो उसने दे दिया, तो उसको इसने क्या बोल दिया, करंट नियम बोल सकता है, पहला नियम बोल सकता है। उसके अलावा करंट नियम है तो KCL से मतलब है किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ, ये भी इसका नाम हो सकता है। उसके अलावा इसका जो नाम है वो दूसरा बिंदु नियम है वो भी इसको बोला जाता है। करंट नियम, पहला नियम, KCL, बिंदु नियम, तो ये सारे के सारे आपके एक ही नियम के नाम हैं, किरचॉफ के पहले नियम के, किरचॉफ करंट लॉ, करंट नियम, बिंदु नियम या पहला नियम है बोला जाता है। अब एग्जाम टाइम में इससे क्वेश्चन किस तरीके के आपके रहते हैं वो देख लेते हैं। तो एग्जाम में पहला क्वेश्चन रहता है इसकी डेफिनेशन, यानी कि इसकी जो परिभाषा है उसी से क्वेश्चन रहता है वो क्या है। तो एग्जाम टाइम में डेफिनेशन देके और पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा नियम है, तो इसकी परिभाषा क्या रहेगी, किसी संगम पर आने वाली वह संगम से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये जो आपका किरचॉफ वैज्ञानिक था उसने पहला नियम दे दिया कि आपका कोई भी जो सर्किट होगा उस सर्किट के अंदर, मैं आपको डायग्राम बना के भी समझाऊंगा कि कोई भी आपका जो सर्किट होगा उस सर्किट के अंदर जो आपका संगम पॉइंट होगा, यानी कि जो कोई भी एक पॉइंट होगा उस पॉइंट पर जो आने वाली दो धाराएं होंगी और वहां से जो जाने वाली जो धाराएं होंगी उन दोनों का जो बीजगणितीय योग है वो क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पर डायग्राम बना के देखना चाहता हूं,
तो ये मेरा कोई पॉइंट है, यहां पर दो धाराएं आ रही है इस जगह पे, और यहां से तीन धाराएं बाहर निकल रही है, दो धाराएं आ रही है और तीन धाराएं क्या जा रही है, बाहर जा रही है। इसको मैं आई वन, आई टू, आई थ्री, आई फोर और आई फाइव बोल देता हूं। तो आपने अगर देखा है तो अब क्या होगा कि इस जगह के ऊपर ये बोल रहा है कि कोई भी आपका जो संगम है यानी कि जो जंक्शन पॉइंट है, उस जंक्शन पॉइंट पे जो धाराओं का बीजगणितीय योग है वो क्या होगा, शून्य होगा, यानी कि यहां पर कोई भी धारा का मान है नहीं रहेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, इसकी वैल्यू दे देते हैं मैं 9 एम्पियर, इसकी 9 एम्पियर है, ये 6 एम्पियर है, 9 एम्पियर और 6 एम्पियर जो है धाराएं आ रही है, और बाहर कितनी जाएगी, तो सीधी सी बात यह है कि 9 और 6 यानी कि 15 एम्पियर होगी। तो अगर 15 एम्पियर की करंट अपने पास आ रही है तो बाहर भी तो 15 एम्पियर ही जाएगी। तो यानी कि अगर अपने देखते हैं तो एग्जाम टाइम में क्वेश्चन रहता है 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, उसके बाद में वो पूछ लेता है कि इसका मान है क्या होगा। पहला क्वेश्चन, जटिल प्रकार के डीसी परिपथों को हल करने के लिए कौन सा नियम लगेगा, तो किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम लागू होता है तो एसी और डीसी दोनों पर। उसके बाद में करंट नियम या फिर बिंदु नियम जो है उसके अंदर डेफिनेशन के अंदर पूछ लेता है कि किसी संगम पर आने वाली और जाने वाली धाराएं दोनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यह किस नियम से संबंधित है, तो किरचॉफ का पहला नियम, करंट नियम या केसीएल जिसको बोल सकते हैं। उसके बाद में जो है क्वेश्चन क्या रहता है, तो इस तरीके का वो डायग्राम दे देगा और डायग्राम देने के बाद में आपको इस तरीके से कोई भी वैल्यू दे देगा और एक वैल्यू जो है वो आपको निकालने के लिए दे देगा। तो आप इसके लिए सूत्र क्या बनता है, आई वन प्लस आई टू बराबर आई थ्री प्लस आई फोर प्लस आई फाइव। यहाँ आपके जो है एन जो है धाराएं हो सकती है, जितनी भी धाराएं होगी वो सारी की सारी काउंट हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी आने वाली जो धाराएं थी वो दो थी, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, 9 प्लस 6 यानी कि 15, यहाँ से 4 प्लस 3 प्लस यहाँ पर इसकी जो वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है, तो यहाँ से 7 हो गई और ये जो वैल्यू है ये आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो 15 में से 7 गए 8, 8 एम्पियर की जो है वो क्या रहेगी, आई जो 5 है उस वैल्यू का नाम रहेगा कि आई 5 के अंदर कितनी धारा होगी, तो 8 एम्पियर धारा रहेगी। तो इस तरीके के जो एग्ज़ाम टाइम में क्वेश्चन है वो पूछता रहता है और लैंग्वेज एग्ज़ाम टाइम में क्वेश्चन की रहती है। तो पहला नियम और पहले नियम से इतने ही क्वेश्चन है वो आपके बनते हैं, इसके अलावा कोई भी जो है क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगर आप देखना चाहते हो कि सर्किट के अंदर किस तरीके से ये यूज होता है, तो सर्किट के अंदर अपने एक सर्किट बना के दिखाते हैं आपको। सर्किट के अंदर किस तरीके से यूज होगा, तो मैं एक कोई समांतर सर्किट बनाता हूँ, ये सर्किट भी आपको अभी आगे करवाने वाला हूँ मैं इसी चैप्टर के अंदर, डीसी थ्योरी के अंदर, तो जुड़े रहिए। इस सर्किट में मैंने क्या किया, कोई वोल्टेज लगा दी, कोई मैंने यहाँ पर धारा लगा दी, तो इस पॉइंट की बात हो रही है, ये एक जंक्शन पॉइंट ही तो है, ये एक जंक्शन पॉइंट ही है, और मैंने क्या बोला कि यहां पर जो आने वाली जो धारा होगी यानी कि 5 एम्पियर अगर धारा आ रही है, तो यहां से जो जाने वाली जो धाराएं होंगी उन जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो क्या होता है, बराबर होता है या फिर शून्य होता है। तो वो सारी की सारी जो चीज है वो इस नियम के जो है यहां पर लागू हो रहा है आपका। तो इस तरीके से आपका कोई भी जो सर्किट है उसके अंदर आपके जो नियम है वो लगते हैं। तो एग्जाम के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है बार बार इनको याद करते रहिए। तो अपने दूसरा नियम करते हैं, दूसरा नियम है किरचॉफ वोल्टेज नियम।
किरचॉफ वोल्टेज नियम, किरचॉफ वोल्टेज नियम बोल देता है दूसरा नियम है, या फिर दूसरा नाम इसको बोलता है केवीएल, या फिर तीसरा नाम इसको बोल सकता है दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम। ये मैं दूसरा नियम क्यों लिखवा रहा हूं आपको तो पता चल रहा है, लेकिन एग्जाम टाइम में भी यही पूछता है कि जो आपका संगम पर आने वाली जो धारा है वो जाने वाली जो धारा है दोनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यह किस नियम से संबंधित है, किरचॉफ के पहले नियम से है या किरचॉफ के दूसरे नियम से है, ये ना देखे और ये जो है ये चीज भी पूछ लेता है तो इसीलिए करवा रहा हूं। या फिर इसको जो है एक और नाम दिया गया है मेस का नियम, मेस का नियम अगर आ जाता है तो वो भी किसके बारे में बात कर रहा है आपका, किरचॉफ के वोल्टेज नियम के बारे में ही बात है कर रहा है। तो अब बात आती है ये नियम आपको क्या बताता है, तो इसके अंदर क्वेश्चन किस टाइप से रहता है, पहला क्वेश्चन डेफिनेशन से इसमें रहता है, डेफिनेशन इसकी क्या रहेगी, तो इसकी डेफिनेशन रहेगी कि जो परिपथ में लगाई गई वोल्टेज सर्किट में हुए परिपथ में हुए वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होती है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से पूछ लेता है कि जो परिपथ में लगाई गई जो वोल्टेज है, ठीक है, वो परिपथ में जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे उनके योग के बराबर होती है या दोनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ये जो अगर डेफिनेशन आ जाती है तो किसकी है, तो वोल्टेज नियम की, केवीएल की, दूसरे नियम की या फिर मेस के नियम की जो है ये डेफिनेशन रहेगी। इसका जो सूत्र है वो सूत्र क्या बनता है आपका, तो सिग्मा ई यानी कि जो लगाई गई ईएमएफ है टोटल ईएमएफ वो बराबर आईआर, ठीक है, उसके बाद में प्लस आईआर। तो इस तरीके से जो है इसकी डेफिनेशन रहती है, अगर अपने कैलकुलेशन करके देखते हैं किस तरीके से है, ये चीज क्या है इसको दिखाता हूं। तो अभी मैंने क्या किया, यहां पर एक इस तरीके से एक सिंपल सा सर्किट बना लिया, सीरीज सर्किट ही बना लिया। यहां पर मैंने क्या किया, 12 वोल्ट की कोई बैटरी लगा दी और यहां पर धारा का मान है कुछ ना कुछ, इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध है, इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध है और इसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध है। तो अब क्या होगा कि किरचॉफ जो वैज्ञानिक था उसने एक क्या नियम लागू किया, उसने बताया कि आपका जो सर्किट होगा, जो सर्किट होगा उस सर्किट के अंदर जो वोल्टेज लगाई गई है वो वोल्टेज इन सर्किट के अंदर जो प्रतिरोध लगाई गई है ना, इन प्रतिरोध के द्वारा जो वोल्टेज ड्रॉप हुई है उस वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होगी। किस तरीके से होगी तो वो अगर अपने देखना चाहते हैं तो देख सकते हो कि यहां पर अगर रेजिस्टेंस है और यहां से कोई ना कोई धारा है तो रेजिस्टेंस और धारा कुछ ना कुछ है। तो अब अगर देखोगे तो यहां पर अगर हमने ओम का नियम क्या किया था, V बराबर IR, तो V बराबर IR से मतलब क्या है कि यहां पर वोल्टेज का मान कितना है। तो अगर मैं यहां पर रेजिस्टेंस और जो आपकी धारा है उन दोनों को अगर गुणा करूंगा तो मेरा मान आ जाएगा वोल्टेज का, वही वैल्यू यहां पे भी आ जाएगी, वही वैल्यू यहां पे आ जाएगी। और अब मैं इन तीनों वैल्यू को अगर जोड़ूंगा तो जोड़ने के बाद में जो अपनी लगाई गई जो वोल्टेज है इस लगाई गई वोल्टेज के बराबर होगी, क्योंकि अपने जो वोल्टेज है जितनी लगाई गई है उस सर्किट के अंदर उतनी ही वोल्टेज ड्रॉप कर सकता है। तो किरचॉफ जो वैज्ञानिक था उसने नियम लागू कर दिया, और वो नियम क्या था कि जो सर्किट के अंदर जो लगाई गई वोल्टेज होगी वो उस सर्किट के अंदर जो जितने भी वोल्टेज ड्रॉप होंगे उन वोल्टेज ड्रॉपों के योग के क्या होगी, बराबर होगी। और इसको इसने क्या कर दिया, किरचॉफ वोल्टेज नियम, केवीएल, दूसरा नियम मेस का नियम नाम दे दिया।
इसके अंदर कुछ नहीं है, सूत्र पूछ सकता है या फिर जो है इसकी डेफिनेशन देके इसका नाम पूछ सकता है कि ये किस नियम से संबंधित है। इसके अलावा इसमें कोई भी तरीके के क्वेश्चन है वो नहीं बनते हैं, तो नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी। बाद में बात आती है आपके जूल के नियम की। जो जूल जो वैज्ञानिक था उसने क्या किया था, आपने देखा था कि अपने कोई भी आपके जो वैद्युतिक उपकरण थे, मैंने आपको विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव बताए थे, उसमें यह प्रभाव चुंबकीय प्रभाव, वो जो सारे के सारे जब प्रभाव बताए थे उस टाइम आपको बताया था कि कोई भी आपका जो चालक होता है उसको जब हम लोग विद्युत धारा देते हैं तो उसके बाद में क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ गर्म हो जाता है, तो वो जो गर्म होता है उस गर्म होने के जो गुण हैं उसको तो हमने उसमें प्रभाव बोल दिया, लेकिन वो कितना गर्म होता है, उसकी मात्रा कितनी है, इसको बताने के लिए क्या था कि एक जूल नाम का वैज्ञानिक आया था। जूल का नियम, तो आपका जो जूल नाम का वैज्ञानिक आया था उस वैज्ञानिक ने क्या किया था कि आपका जो कोई भी पदार्थ था उस पदार्थ में जितनी भी ऊष्मा पैदा हो रही थी उस ऊष्मा को ज्ञात करने के लिए उसने क्या किया, एक नियम दे दिया जिसको बोला गया जूल का नियम। तो इस नियम के अनुसार क्या बोला गया कि चालक में पैदा होने वाली ऊष्मा की मात्रा विद्युत धारा के वर्ग व प्रतिरोध के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो जो जूल नाम का वैज्ञानिक था उसने क्या बोला कि जो आपकी चालक में जो ऊष्मा पैदा होगी ना, जैसे आपने हीटर को विद्युत धारा दे दी, सप्लाई देने के बाद में उसमें से कितनी मात्रा की ऊष्मा पैदा हुई है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, तो वो दो चीजों के ऊपर निर्भर करेगा, विद्युत धारा के ऊपर, प्रतिरोध के ऊपर, और ज्यादातर टाइम के ऊपर कि कितने टाइम तक दी है। तो यानी कि आप अगर बोलेंगे हीट बराबर क्या होगा कि कितनी ऊष्मा पैदा होगी, तो आई स्क्वेयर आर टी, ये इसका सीधा सा फॉर्मूला है। एग्जाम टाइम में पहले तो सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है इसके फॉर्मूले से कि आपकी जो ऊष्मा पैदा होती है उस ऊष्मा की मात्रा कितनी होती है, तो एच बराबर आई स्क्वेयर आर टी होगी। उसके बाद में दूसरी जो वो पूछता है कि ऊष्मा जो पैदा होती है वो विद्युत धारा के होती है, सीधा समानुपाती, वर्ग के समानुपाती, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो विद्युत धारा के क्या होती है, वर्ग के समानुपाती होती है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम टाइम में क्या होता है, पूछा जाता है। तो अब अपने कैलकुलेशन करके देखते हैं, एक आपका एक हीटर है, हीटर को 2 एम्पियर की धारा दी है और प्रतिरोध का मान है 10 ओम, टाइम सेकंड में लिया जाता है ज्यादातर, तो 2 मिनट दी है। तो आपको क्या करना है, ऊष्मा कितनी पैदा हुई है वो ऊष्मा का मान निकालना है। तो एग्जाम टाइम में इस तरीके का आपका जो क्वेश्चन है वो भी रह सकता है। तो अपने को दोनों तरीके के क्वेश्चन याद रखने, एक जो फॉर्मूला है वो अगर आपको याद होगा, मेनली मेरा जो मकसद रहता है वो यही रहता है कि बच्चे को फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपको आता है तो वैल्यू रख के मान आप जो है निकाल सकते हो। टाइम अपने पास होता है, कैलकुलेशन आपको जो है अगर स्पीड है वो तो बन जाती है धीरे धीरे करके। तो अपने निकाल के देखते हैं, तो 2 एम्पियर, 2 × 2 क्योंकि वर्ग है, उसके बाद में आर का मान कितना है तो 10, उसके बाद में टाइम कितना है तो 2 × 60 क्योंकि सेकंड में लेना है आपको टाइम, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, तो 4 8 8 6 48,
इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, जूल ही होती है। तो ऊष्मा की मात्रा कितनी आएगी, 4800 जूल। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम टाइम में आपके पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। आपको याद क्या रखना है, तो चालक में ऊष्मा जो पैदा होती है उसकी मात्रा जो है कितनी होती है उसको ज्ञात करने के लिए जूल ने एक नियम दिया था, और उसमें किस तरीके से निकालते हैं तो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी का जो फॉर्मूला है वो यूज करके, और हम लोग ऊष्मा की मात्रा क्या करते हैं, निकालते हैं। उसके बाद में उसकी एक वैल्यू दे के और अपने कैलकुलेशन करके देख ली है, कोई भी आप और अदर कैलकुलेशन लेके और इसका जो क्वेश्चन है वो करके देख लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, और इसके बाद में अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज किस लिए किया जाता है, वैसे तो इसका यूज होना था आगे अपने प्रतिरोध के संयोजन के बाद में, लेकिन ये वीडियो अपने इतनी लंबी नहीं है तो इसके अंदर ही कर लेते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर उठते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर अपने कर लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज तो ये क्या है, तो एग्जाम आपने अगर देखा है तो आप इस तरीके का एक डायग्राम है वो आपको बुक वगैरह के अंदर तो आपने को मोस्टली देखने को मिल ही जाता है, आपने इस तरीके का एक डायग्राम बुक वगैरह के अंदर तो बहुत बार देखा होगा। अगर आप टेक्निकल लाइन से हो आपको इस तरीके का एक डायग्राम है वो देखने को मिला होगा भाई, तो इसके अंदर है क्या एक्चुअल में, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो अपने मैं आपको डीपली नहीं करवाऊंगा कि इसके अंदर इस तरीके से धारा जाती है, इस तरीके से ये सारा का सारा वर्क करता है, एग्ज़ाम टाइम में कैसे क्वेश्चन आपके रहते हैं वो सारा का सारा मैं आपको यहाँ पर इसमें करवा दूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम टाइम में ये पूछता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग कहां पर किया जाता है, तो पोस्ट ऑफिस, बॉक्स में, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में, पहला ये ऑप्शन हो सकता है या फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, अज्ञात मान का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, अज्ञात मान का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग कहां पे होता है, तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स में होता है या फिर अज्ञात मान का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए होता है। ये दोनों ऑप्शन आपके अगर आते हैं तो दोनों सही आंसर है। उसके बाद में एग्जाम टाइम में या फिर अपने प्रैक्टिकली देखते हैं तो अज्ञात मान का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ही आपका जो है पोस्ट बॉक्स, ऑफिस बॉक्स जो है उसमें आपका जो है व्हीटस्टोन ब्रिज है उसका उपयोग किया जाता है। किस तरीके से, पहला तो क्वेश्चन इस तरीके से रहता है। दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन उठता है पी बटा क्यू बराबर आर बटा एस। इस तरीके से आपको यहाँ पर दो जो है आप अगर देखोगे तो ऊपर की तरफ और दो जो है नीचे की तरफ प्रतिरोध दिए गए हैं। इन प्रतिरोधों को में से अगर आपको एक वैल्यू अगर नहीं पता है, यानी कि जैसे अगर आपको पता है कि 10 ओम है इसका प्रतिरोध, ठीक है, इसका आपको जो प्रतिरोध है वो 15 ओम है, इसका प्रतिरोध आपके सामने 20 ओम है, उसके बाद में पूछ लेता है कि एस की वैल्यू क्या होगी, तो अब आप निकाल सकते हो क्योंकि आपके सामने ये एक इक्वेशन है। तो किस तरीके से निकालोगे, तो निकालने के लिए अपने अगर देखते हैं यहीं से निकाल लेते हैं, पी की वैल्यू कितनी है 15, उसके बाद में क्यू की वैल्यू कितनी है तो 20, यहाँ से जो आपका आर है उसकी वैल्यू कितनी है तो 10, उसके बाद में
आपको S की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, निकालनी है। तो किस तरीके से निकालेंगे, तो अब यहां से निकाल लेते हैं भाई, वो वहां पर ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, यानी कि 10 20 × 10/15 ये आ जाएगा S के बराबर। ठीक है, तो ये आने के बाद में अपने अगर देखते हैं बीस इंटू दस यानी कि 200/15। अगर इक्वेशन हल करोगे, इक्वेशन हल करने के बाद में इसका जो रेजिस्टेंस का मान है वो रेजिस्टेंस का मान आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो कोई भी रेंडमली आप इक्वेशन लेके और आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का पहला क्वेश्चन कहाँ पे उपयोग किया जाता है, तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स में यूज किया जाता है। दूसरा, तो अज्ञात मान का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसका उपयोग किया जाता है। कम से कम मान के चलिए 5 से 10 बार जो है ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है बार बार, वो भी सरकारी नौकरी की जितनी भी भर्तियां कंपटीशन की आती है उनमें आपका ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद में कोई भी आपको इस तरीके से एक जो चार वैल्यू है उन चार में से 3 रेजिस्टेंस के मान देके और 1 रेजिस्टेंस का मान वो जो है आपसे पूछ सकता है। तो नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, बाकी आपको जो है ये मैं पूरा का पूरा आपको डीप एक अलग से वीडियो है, आपको जब आपने पूरे के पूरे टॉपिक हो जाएंगे उसके बाद में टॉपिक बना के व्हीटस्टोन ब्रिज का उसके अंदर आपको पूरा का पूरा डीप टॉपिक जो है वो करवा दिया जाएगा। अभी एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंटली वही क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो कल आपको पिछली वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए थे उसमें पहला आपका क्वेश्चन था ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा किसके समानुपाती होती है। तो ओम का नियम आपको पीछे करवा दिया गया है जिसके अंदर आपको बताया गया था कि आई जो है वो किसके समानुपाती होगी, वी के। आई जो है वी के समानुपाती होती है, यानी कि वोल्टेज के समानुपाती होगी विद्युत धारा जो है। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ये कमेंट करना था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि टंगस्टन का जो आपका जो विद्युत बल्ब है उसका जो फिलामेंट है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन जो धातु है, टंगस्टन धातु का आपका विद्युत बल्ब का क्या बना होता है, फिलामेंट बना होता है। उसके बाद में आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि 200 वाट और 250 वोल्टेज, 200 वाट और 250 वोल्टेज आपको क्या दी गई है, सप्लाई दी गई है। तो आपको यहां पर प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है कि प्रतिरोध का मान इस सर्किट में क्या है, यह आपको जो है हमें बताना है, जो अगर आप जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, तो दूसरा क्वेश्चन है कि आपका जो सोल्डरिंग के अंदर जो फ्लक्स यूज किया जाता है, सोल्डरिंग के अंदर जो फ्लक्स यूज होता है वो फ्लक्स के अंदर किन किन धातुओं को मिश्र धातु के रूप में यूज करते हैं, ये आपसे दूसरा क्वेश्चन आज का है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए। तो आपको अगर किरचॉफ का नियम, जो आपका जूल का नियम, या फिर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज जो है अगर समझ में आया है और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मोर एजुकेशनल वीडियो यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में डीसी थ्योरी की, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।